अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खेले गए मैच में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए कौमी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए थे। इस अहम मैच को 14 ओवर तक महदूद कर दिया गया, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 142 रन का हदफ मिला। पहले बैटिंग करते हुए कौमी टीम के ओपनर एक बार फिर नाकाम रहे। कप्तान बाबर आजम ने 15 गेंदों पर 6 जबकि मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर वापस लौट गए और मोहम्मद हारिस ने जारहाना खेल पेश किया और 11 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। दीगर खिलाड़ियों में शान मसूद 2, मोहम्मद नवाज 28, मोहम्मद वसीम 0 पर आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद और शदाब खान ने 82 रन की पार्टनरशिप कायम करते हुए टीम को मुश्किल से निकाल दिया। दोनों ने बिलतरतीब 51 और 52 रन की बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।